प्रेसिडेंट सर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ डिस्ट्रिक्ट हिसार से। हम आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस प्रांगण में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मिलने के लिए आए हुए थे। जैसा कि पिछले दिनों 20-21 तारीख के लगभग जो है ना एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे जो दाखिला लेंगे दूसरे स्कूल से आएंगे जो बच्चे वो 3000 रुपये फीस देंगे और इतनी जटिल प्रक्रिया उसकी कर दी है कि वो बच्चे पढ़ाई तो कर ही सकते, यानी कि एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे शिक्षा में भी रुकावट आएगी और ख़ास तौर से जो आर्थिक रूप से जो है बिना मतलब का जो है ना एक बोझ जो है ना माँ बाप पे विद्यार्थियों पे स्कूल की जो है ना एक टेंशन बढ़ा दी गई है। सरकार का फर्ज है कि जो शिक्षा है वो सभी को मुफ्त शिक्षा दे और शिक्षा में सहयोग करे, लेकिन ये आराम से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी उनको जो है ना परेशान किया जा रहा है। वो अपनी मर्जी है, लोकतंत्र है, इतने सालों से कानून है, शिक्षा को कोई बपोती नहीं बनाया, शिक्षा को कोई रोज पैसों से नहीं तोला जा सकता। शिक्षा जहाँ ग्रहण कर जाता है विद्यार्थी वहाँ ग्रहण करे, ये मतलब थोड़ी है कि उसके ऊपर आप पाबंदी डाल दो। आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो आपको इतनी इतनी फॉर्मेलिटी चाहिएगी, ये SLC चाहिए, 5 साल का आपको जो है ना रिकॉर्ड चाहिए रिजल्ट का, अगर कुछ उसमें दिक्कत है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यानी कि विद्यार्थी हरियाणा बोर्ड का विद्यार्थी हरियाणा के बोर्ड के स्कूल में जो है ना जाने से इतने इतने पैसा उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, उसका हम विरोध करने के लिए आए थे। और हमारी चेयरमैन साहब के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है, उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को सुना और ये विश्वासन दिया है हमें कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, आपकी जो फीस है उसके संबंध में भी कुछ करेंगे और जो प्रक्रिया है उसको केवल एफिडेविट या सिर्फ SLC जो है ना डाउनलोड करने के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे बच्चे जो है ना आसानी से जो है ना दाखिला ले सके और शिक्षा ग्रहण सके। आज हमें अच्छा आश्वासन मिला चेयरमैन से, फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हाँ जी दिन का समय उन्होंने कहा कि जल्दी कर देंगे, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है ना हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन जो भी हमारे से इसके संदर्भ में होगा, सारे हरियाणा की यूनियंस हैं, सारे हरियाणा के जो स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं जो पीड़ित हैं इससे, दाखिले से आज वंचित रह रहे हैं बच्चे, शिक्षा से जो वंचित रह रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक जोरदार आंदोलन करेंगे। हमारी ये मांग है कि जो बच्चा 9th पास कर लेता है, जैसे ही वो 10th में जाता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, जैसे वो स्कूल चेंज करता है तो उससे कहता है भी बहुत अधिक कागज लेके आओ जिसके अंदर फॉर्मेलिटी किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकती। जैसे कहता है पढ़ाई ज़्यादा होने के कारण जा रहे हैं तो 5 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं, 5 साल का रिकॉर्ड मांगना, साथ में 3000 रुपये जो एक मोटी फीस है। जब हरियाणा बोर्ड का बच्चा हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहा है, 9th से जब वो 10th में जाता है तो 3000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और जो स्कूल है ग्रामीण लेवल के HBSC के जो स्कूल है बहुत ही ग्रामीण है, बहुत ही कम और बहुत ही कम फीस में पढ़ते हैं, वो 3000 रुपये नहीं दे सकते, जबकि सरकार का दायित्व बनता है कि हर बच्चे को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। तो हम ये सोचते हैं 11वीं का बच्चा 12वीं जाता है उसके ऊपर भी वही शर्तें ला दी जाती है कि ट्रांसफ़र होता है तो आप कारण दे वो ट्रांसफ़र हुआ क्यों होया और वो बच्चा दूसरे स्कूल में क्यों गया। तो शिक्षा के अधिकार हर आदमी के लिए है, वो जी चाहे उसको जिस जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी हो जाएगा। तो जब पहले से ये नियम चल रहा है तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसके ऊपर 3000 रुपये प्लस में ढेर सारे कागज़, एक कागज़ नहीं कम से कम 11 मांग उसके अंदर मांग जो है ना रखी गई है अलग अलग से, भाई ट्रांसफ़र हो गया तो आपने ये कागज़ लागने पड़ेंगे, यदि आपने स्कूल बदल लिया तो किस कारण से बदला है, पढ़ाई कम होने के कारण बदला है तो 5 साल का रिकॉर्ड लेके आओ, दिखाओ, प्रूव करो उसको। तो इतने इतने कागज़ ना कोई पेरेंट्स नहीं लेके आ सकता, इससे तो गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या यही कारण है कि जो हरियाणा बोर्ड के स्कूल CBSE या दूसरे बोर्ड में टूट टूट करता है? नहीं, ये कारण तो है ही है, क्योंकि CBSE के अंदर वो स्कूल जाता है जो 2 एकड़ ज़मीन पूरी करता है, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन होगी तो वो आपको लगता है कि वो कम फीस में पढ़ाएगा। 2 एकड़ ज़मीन खरीदने वाला तो एक बच्चे को कम से कम जो है 1 साल का उसका बजट 70 से 80 हज़ार रुपये बजट होगा, और जो HBSE के स्कूल है जो कम जगह पर चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 500 से 1000 रुपये फीस में पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छी आप रिजल्ट उठा के देखिए, कभी का रिजल्ट उठाइए जब से हरियाणा बोर्ड बना। हरासमेंट है, ये हरासमेंट है, सरासर हरासमेंट है, और हर अभिभावक और हर पेरेंट्स कईयों को तो हम कहते नहीं भाई 3000 रुपये लगेंगे, 5 मिनट तक सांस नहीं आता अभिभावक को, बोले जी 3000 रुपये स्कूल चेंज करने के अलग से, यानी 5 मिनट तक उससे मुंह से जो बाहर नहीं निकलती। जो है पदाधिकारी आए हैं और यदि सर चेयरमैन साहब इसका सरलीकरण कर देंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है बात हमारी सुनी है उन्होंने और आश्वासन दिया है, यदि सरलीकरण होगा तो हम स्वागत करेंगे, और सरलीकरण नहीं
होगा तो हम पुरजोर पूरे हरियाणा के अंदर पुरजोर विरोध करेंगे। वैसे बाकी उम्मीद है कि चेयरमैन साहब हमारी मांगों को अच्छी प्रकार से रखेंगे।